दूसरे टाइप की जो चौकट आती है वो होती है सीमेंट चौकट जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं ये है आपके सामने सीमेंट चौकट वो जो सीमेंट से बनी हुई रहती है और कुछ इस तरीके से उसको दीवार में फंसा दिया जाता है जैसे कि वो खड़ी होती है लेकिन इसके साथ इसके कुछ नुकसान भी है जैसे कि आप सामने वाली वीडियो में देख सकते हैं आगे वाले इधर से सीमेंट की चौकट लगाई गई लेकिन जहाँ जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं कुछ कुछ जगहों पर उसको क्रैक गिर गए और उसका जो सीमेंट का वो सीमेंट था जो कंक्रीट लगा हुआ था उस जगह का वो सीमेंट निकल चुका है उसके अंदर जो रेन्फोर्समेंट आती है वो आपको यहाँ पे विजिबल दिखाई दे रही होंगी इसके लिए ये कुछ दिनों बाद इसका ये हाल हो ही जाता है क्योंकि दरवाजे को दरवाज़े को जब भी आप खोलते या बंद करते हैं उस समय कुछ बार झटके लग जाते हैं ऐसे झटकों में दरवा जो सीमेंट की चौकट होती है उसमें क्रैक आ जाके उसमें वो सीमेंट या जो उसका कंक्रीट होता है वो निकल जाने के चांसेस रहते हैं जैसे कि आप सामने वाली वाली वीडियो में देख ही सकते हैं और ये देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता हालांकि ये चौकट रेम्फोर्समेंट रहती है इसके अंदर लेकिन फिर भी कुछ कुछ जगहों से उसके सीमेंट निकल जाता है और जैसा कि आप फाइनल देख सकते हैं ग्रैंड वाली चौकट ये चौकट दिखने में बहुत सुंदर दिखती है और इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है और उसको दरवाजा जो फ्रेम करते है अगर आपने मिस्त्री कारीगर अच्छा हो अगर उसने अपना ये फ्रेम रहता है का वो अगर नाइन्टी डिग्री एंगल में लगाया हो तो उसमें दरवाजा काफी अच्छी तरीके से फिट होता है और उसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है और ये ज्यादा ड्यूरेबल भी रहता है जैसे कि आप सामने देख सकते हैं सामने वाले फोटो में आपको कुछ ग्रैंड की फ्रेम दिखेगी जिसके लिए आपको पता चलेगा कि कितनी अच्छे तरीके से वो दिख